फ्रेंड्स, मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स पे वेलकम करता हूं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास रोटवीलर के बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के पपीज़ अवेलेबल है और उन पपीज़ के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इंट्रोड्यूस कराने के दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख पा रहे हैं गर्मी से हर एक जीव परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जो पपीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ग्रोथ कर रहे हैं और उन्हीं पपीज़ के साथ मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। और इस लीटर के अंदर हमारे पास टोटल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल हमारे पास 8 पपीज़ थे जिसमें 6 मेल थे और 2 फीमेल्स थी, तो इस लीटर से हमारी फीमेल सारी सेल्ड आउट, दोनों फीमेल सोल्ड आउट हो चुकी है, ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने 6 मेल पपीज़ के साथ, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 1-to-1 एक पपी के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रोटवीलर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी गार्ड ब्रीड है और हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो क्वालिटी और ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। जो पपी आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस वीडियो के दौरान, इनकी जो क्वालिटी तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो इनकी ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इन पपीज़ के फादर की बात करूँ तो इनका जो फादर है वो है इंडियन चैम्पियन मार्स मोमोस ड्रेजिक, जो डायरेक्टली इंटरनेशनल चैम्पियन डिजोम्बा का सन है। और मदर की बात करूँ तो वो है एमी ऑफ रफ हाउस, और एमी की जो ब्लड लाइन की मैं बात करूँ तो एमी बिलोंग करती है बहुत ही यूनिक ब्लड लाइन के साथ, जिसका फादर है रेगना रेडदिरा, जो मैंने कभी इम्पोर्ट करवाया था, और जो मदर है वो है डेजी ऑफ द लिटिल गॉड फादर। पपीज़ की जो क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट क्वालिटी के पपीज़ है। और जो भी इंडिविजुअल हाँ रोटवीलर का कुछ से प्यार करता है तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मेल पपी। ये भी एक मेल पप है जो आप देख पा रहे हो, ये मेल पपी नंबर 1 है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ वीडियो के दौरान। आप पपी का साइज़ देखिए, और अगर मैं एज की बात करूँ तो अप्रोक्स जो पपी की एज है वो अप्रोक्स 45 डेज हो गई है, और इसकी इनकी एक वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो गई है, 2 डिवॉर्मिंग कम्प्लीट हो गई है, और इनकी जो डिलीवरी है हम आफ्टर 10 डेज के बाद स्टार्ट कर देंगे इनकी सेकेंड वैक्सीनेशन कम्प्लीट करने के बाद। तो आप देख पा रहे हैं पपी का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ह्यूज साइज़ के पपीज़ है, और इस गर्मी में इस वेदर में भी जो पपीज़ की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ग्रोथ है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ये है मेल पपी नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल पपी, और आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ह्यूज टाइप का ये पपी बनेगा। आप देख पा रहे हैं बहुत सुपर क्लास पपी है, और इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है पपी का। यह है मेल पपी नंबर 1, और अभी मैं आपको नेक्स्ट पपी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मेल पपी नंबर 2 के साथ, जो सेकंड नंबर का पपी है। पपी अपने आप में जितने भी पपीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वालिटी के पपी है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो पपीज़ थोड़े से हाँपना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है, बट आप पपी का साइज़ देखोगे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पपी है। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हर वीडियो में आपने देखा होगा कि हम अपने पपीज़ की जो आप सिलेक्शन के लिए आप रिबन के थ्रू आप अपना पपी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में पपी की मार्किंग करते हैं। और आप देखिए पपी बहुत ही सुपर क्लास पपी, आप स्टैक पोजीशन देखेंगे पपी की बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट पपी है, और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वालिटी का मेल पपी है। आने वाले टाइम में आप इसको एज ए स्टड डॉग और एज ए शो डॉग भी आप इसको तैयार कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये था पपी नंबर 2 जो मैंने आपको वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया। अभी मैं आपको नेक्स्ट पपी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मेल पपी नंबर 3 के साथ, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक पपी है। आप देख पा रहे होंगे पपी का मज़ल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मज़ल है, हेड प्रोफाइल वगैरह बहुत ज़्यादा यूनिक है। 45 डेज को देखते हुए जो पपीज़ की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अपने आप में अल्टीमेट क्वालिटी की पपीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्योंकि रोटवीलर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक ब्रीड है, और जो भी रोटवीलर के लवर्स हैं सभी जानते हैं कि हर एक ब्रीड के अंदर, नॉट ओनली रोटवीलर, हर एक ब्रीड के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होती है ब्लड लाइंस, और जो पपीज़ है ये बहुत ही सुपर ब्लड लाइन है। छोटी सी एज के जो इनकी स्टैक पोजीशन है बहुत ज़्यादा यूनिक है, और ये मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया है पपी नंबर 3। अभी मैं आपको नेक्स्ट पपी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ नेक्स्ट पपी के साथ मेल पपी नंबर 5 के साथ। ऐसे हमारे पास 6 मेल पपीज़ है, अभी है मेल पपी नंबर 5। हर पपी अपने में एक से बढ़ के एक क्वालिटी है इनकी, बिकॉज ऑफ दैट कि आप बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे 45 डेज के अंदर बहुत ह्यूज टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो बहुत ही ज़्यादा है, एक्टिव बहुत ज़्यादा है पपी, प्लेफुल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पपीज़ है। और आप देख पा रहे हैं ये है मेल पपी नंबर 5। आप इसका फ्रंट देखोगे, पपी की चेस्ट देखोगे, पपी का बोन साइज देखोगे, बहुत ज़्यादा ह्यूज और बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
आप देख पा रहे हैं पपी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में परफेक्ट पपी। आप बॉडी की लेंथ देखोगे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लेंथ है, और पपी का साइज़ वगैरह देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छा पपी है। तो ये था मेल पपी नंबर 5। अभी हम आपको नेक्स्ट पपी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस लीटर के मेल पपी नंबर 6 के साथ। तो ये है मेल पपी नंबर 6, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पपी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूनिक क्वालिटी का पपी है। आप हेड प्रोफाइल देखोगे, मजल साइज़ देखोगे, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। और हर पपी का जो बोन साइज़ है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट आया है, क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ब्रीडिंग के अंदर जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो ब्लड लाइंस होती है, ब्रीडिंग सेंस होती है। तो हम लोगों ने आज तक अपनी कभी भी किसी भी ब्रीड की क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसी है ये हमारा रोटवीलर का बहुत टाइम के बाद ये लीटर आया था, तो हमने इसमें पूरे एफर्ट्स लगाए थे कि हम इसके अंदर जो भी हमारे पास पपीज़ आए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेडिग्री के आए। तो वैसे ही हमने इस कॉम्बिनेशन को हमने लगाया था, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया, जो पपीज़ आए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था मेल पपी नंबर 6। तो ऐसे हमारे पास इस लीटर के अंदर 6 मेल पपीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हो इन पपीज़ के लिए तो पपी को सिलेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली हमें कॉल कर सकता है, हमें व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज भी कर सकता है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बेफिजूल की क्वायरी करने के लिए कॉल मत कीजिएगा, बिकॉज ऑफ दैट कि आप सभी जानते हैं इतना टाइम नहीं होता है कि हम सबके कॉल अटेंड कर पाए। जो ओनली फॉर सीरियस बायर्स है या सीरियस इंक्वायरीज है, वही हमें कॉल करके हमसे इन पपीज़ के बारे में किसी भी प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।